बंदूक थी उसके हाथ में नहीं, बच्ची के हाथों में बंदूक थी। बदले की आग में झुलस रही है मेरी बच्ची, बदला लेने के जुनून में वो एक खूनी बनने को तैयार होगी। तुम्हें बताओ अगर वो ऐसा कर लेती तो क्या फर्क रह जाता उसमें और दयावंती मेहता में। इस जुर्म से उसे रोकने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता था नील। माँ हूं मैं, अपनी बेटी को बचाना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने जबरदस्ती उस लड़की को, वो लड़की जो शादी के रिश्ते में विश्वास ही नहीं करती, उसे दुल्हन बनने पे मैंने मजबूर किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है नील। आपकी मर्जी में जो आया आपने किया, लेकिन भुगत तो मैं रहूंगा। माना इसमें अपनी की कोई गलती नहीं, लेकिन मैं किस बात की सजा काट रहा हूं? बोलिए। ये तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे सिस्टम की है, जिसने आज तक दयावंती मेहता को सजा नहीं दिया। वो सिस्टम जिसने एक मासूम सी बच्ची को क्रिमिनल बनने पे मजबूर किया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी नहीं, हालात ने उसे ऐसा बनने में मजबूर किया। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को एक मुजरिम बनने से रोक ले। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में अपनी के लिए प्यार, और सिर्फ तुम्हारा ही प्यार है नहीं जो अपनी के दिल में इस जलती नफरत के आग को बुझा सकता। ये फैसला तुम्हारे हाथों में। क्या? हाँ हाँ, लेकिन अरे पर बात ओ हो, लेकिन मैं नहीं, ये ओ मैं के गलत। प्रकाश जी अब ये मत कहिएगा मुझसे कि मारे उन्हें शादी के बारे में पता चल गया है और साथ में मैडी और उसका हस्बैंड भी आ रहा है। मर गई मैं, अब क्या बोलूंगी माँ जी को कि हमारी बहू मंदिर के बाहर उतारी हुई चप्पल है जो गलती से बदल गई। अब तक तो इनके ताने सुनते सुनते मैं थक गई थी, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ टूटने वाला हो मेरे सर पर। नहीं नहीं श्वेता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप समझ रही हैं। अरे नहीं प्रकाश जी, मैं बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं सोच रही हूँ। देखिए अगर आनन्या की वजह से मुझे खड़ी खोटी सुननी पड़े ना, तो आप देखना मैं ना आप सभी को टाटा बाय बाय बोल के चली जाऊंगी। हाँ एक मिनट, मैं क्यों जाऊं? घर तो मेरा है ना, जाएंगे वो लोग। और वैसे अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो मेरी सास और मेरी बहू तो बहुत खुश होगी, तो मी नॉट गोइंग। और एक बात, मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि अनन्या हमारी पसंद की नहीं है या वो मंडप में दुल्हन बदली हो गई। देखिए आपको ना मेरी मदद करनी पड़ेगी। श्वेता जी मैं तो आपकी मदद कर दूंगा। हाँ। लेकिन नील का क्या, वो तो अपनी दादी को सब कुछ सच सच बताएगा ना। वो तो हम नील को बाहर भेज देंगे ना, दादी को कह देंगे कि जरूरी केस से बाहर गया है। बोल दो नील को। लो। हाँ? नहीं माँ, ना मैं कहीं जाऊंगा ना कोई और, जरा पापा को फोन दीजिए। ओके। हेलो। हाँ नील। आज अगर आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा क्या? आखिर आज वो दिन आ ही गया है माँ, मैं आपका घर दयावंती मेहता से वापस लेने जा रही हूँ। आज आप मेरी ताकत बने रहना, और उसके बाद भी, क्योंकि नीलामी के बाद मुझे नील की जिंदगी से दूर जाना है। माँ बच्चा ये तुम्हारा आखिरी फैसला है,
ठीक है, अगर तुम्हें यह लगता है कि यह फैसला बिल्कुल ठीक है तो इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं।